हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? सबको राधे राधे। शिवन्या शुभम निमोरिया के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज बहुत ही स्पेशल डे है मेरे लिए, क्योंकि आज मेरे को मेरी मम्मी लेने आ रही हैं। सुबह के बज रहे थे 6, मम्मी इंदौर में आ चुकी थी, ये लेने के लिए चले गए थे मम्मी को। मम्मी वाइट मंदिर तक ऑटो से आ गई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो उनने बोला कि आप परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं ब्रश कर लेती हूँ जब तक मम्मी आएंगी, ब्रश करके उनको चाय वाय बना के दे दूँगी। आरू अभी सो रही है, तो मैं ब्रश रस कर लेती हूँ, फ्रेश व्रेश हो जाऊँगी जब तक मम्मी आ जाएंगी मेरी। तो मैं बाथरूम में ही थी और ये मेरी मम्मी आ गई थी, तो यहाँ पे किचन में बैठ गई थी आके, क्योंकि पापा थे आगे और हमारे यहाँ क्या बोलते, जो मेरे पापा हैं उनके सामने मम्मी मतलब बैठती नहीं है ज़्यादा, उठती बैठती नहीं है, तो मम्मी किचन में आके बैठ गई थी। तो ये मम्मी से मैं मिल ली और इनके लिए चढ़ा दी थी मैंने चाय गैस पे। पहले मैं इनको चाय वाय दूंगी, फिर पैकिंग की तैयारी करूंगी कपड़ों वपड़ों की। तो यहाँ पे कर ली है मैंने पैकिंग, और मेरे को खाना भी बनाना था, तो मैंने खाना बना लिया था, चावल रोटी और सब्जी। सब्जी अभी मतलब मसाला हो रहा था, उसमें आलू डाल दिए थे, और इस सब के बाद खाने वाने के बाद मैं फिर हो गई रेडी। तो ये रही, मैं रेडी हो गई हूँ, ये वाला कुर्ता पहन के जा रही हूँ, क्योंकि बस में साड़ी वाड़ी नहीं पहन के जा सकती। ये रही रोटी और सब्जी, चावल मैंने कुकर में बना के रखे हुए थे। अब मैंने इतनी सारी रोटी क्यों बनाई है, हम लोग तो जा रहे हैं, क्योंकि मेरी छोटे वाली जो ननद है वो घर पे आई हुई थी सुबह से, तो उनके भी रोटी डाली थी मैंने। ये हम लोग निकल गए हैं घर से, तो बस के पास पहुँच चुके थे, अब हम लोग सामान उतारेंगे, सामान उतार के बैठेंगे बस में। ये रही आरू, बस में थोड़ी ठंड थी तो मैंने इसको मोटी वाली फ्रॉक पहना ली थी। ये रही मेरी मम्मी, हम लोग बस में बैठ चुके हैं और ललितपुर के लिए निकल गए हैं। बेटू, तो यहाँ पे रुकी थी बस, और मम्मी को लग रही थी बहुत जोर से भूख। आरू सो रही थी, तो हम लोग वहाँ खाने के लिए नहीं जा पाए, तो मम्मी बोलते काम कर बेटा, मैं बैठी हूँ, तू लेके आ जा खाना, हम लोग यहीं खा लेंगे बस में। क्योंकि हम लोग उसको भी उठाते तो जैसे तैसे करके सोई थी, बहुत ज़्यादा परेशान किया उसने, तो उसको नहीं उठाया, और मैं यहाँ पे खाना पैक करवाने आ गई अकेले। पैक करवा के बस ही में जाएंगे, हम दोनों वहीं खाएंगे, क्योंकि मम्मी को बहुत भूख लग रही थी, और मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लग रही थी। ऑर्डर यहीं से देना है क्या? ऑर्डर यहीं से देना है। ये रही आरू, जो कि बहुत ज़्यादा थक गई थी और इसको फीवर भी आ रहा था, इसको दवाई दी उठ के। अब हम लोग बस में से उतरेंगे, क्योंकि ललितपुर हम लोग पहुँच गए थे। ये रही आरू, इसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, अलग अलग लोग दिख रहे थे, मम्मा मेरे को कहाँ लेके जा रही हैं। Thank you.
ये आ गए हैं अपने गांव में। ये हमारे गांव की गली है। हमारा घर कोनर में है तो ऑटो को वहाँ पर लेके जाना है। मेरा घर, हम लोग आ गए हैं घर पे अपने। ये रहा घर, ये रही मौसी। इन लोगों को सिर्फ आरुई से मतलब था। ये रही परी। ये देखो मेरे को काटने को दौड़ रही थी। तो ये आ गई मैं अपने घर। मतलब अलग ही खुशी होती रे घर आने की। ये रहा मेरा घर। घर का मैं ब्लॉग बनाऊंगी पूरा, बहुत जल्दी डालूंगी ब्लॉग घर का। यहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं डाल पा रही है। देखो इन लोगों का चल ही रहा है। ये इसके पास बहुत ज़्यादा रहती है परी के पास। ये परी और इसको बहुत प्यार करती है। ये रही मम्मी। मम्मी मेरी बहुत थक गई थी। ये रहा मेरा छोटा भाई। इसको आई फ्लू हो रहा है तो ये चश्मा लगा के घूम रहा है। ये मेरे को शाम को भूख लग रही थी, कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था तो इसने पास्ता बनाया था। ये रही आरू, ये रही मम्मी। यहाँ गांव में हमारे यहाँ बहुत लाइट जाती है, तो लाइट चली गई थी तो मम्मी, ये कम से कम लाइट नहीं आती है दो दो तीन तीन घंटे। मम्मी इसको पंखा हिलाते हवा करती रहती। यही तो यार मायके के सुख होते हैं। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग ख़त्म करती हूँ।